बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी अल्लाह सब लोगों को इसी तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जी आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। जी व्यूअर्स, आज का ब्लॉग जो है ना, वो मैं स्पेशली आप लोगों को लिए बना रही हूँ ख़ास तौर पर, ठीक है। वो ख़ास तौर पर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आज आपको अपने घर के हालात बता रही हूँ कि मेरे घर के हालात क्या हैं, मेरी कंडीशन क्या है। आज पिछले दो दिन से तो ख़राब थे हालात, लेकिन आज थोड़े ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन वो मैंने कहा आप लोगों से मैं करती हूँ शेयर, ठीक है जी। और आज जो है इतने हालात ख़राब हैं कि मुझे आज घर से निकलवाना पड़ा स्क्रैप, ठीक है। और मैंने अंदर से स्क्रैप निकाला है, सारा स्क्रैप मतलब कबाड़ जो है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी पड़ी, कबाड़ वगैरह आज मैंने निकाला, निकाल के अभी जो है ना वो मैं उसको बेचने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। और ताकि जो है ना कुछ दो चार पैसे आ जाएँ, और घर का खाना जो है ना वो आज हम बना सकें। देखते हैं बाकी जाके वहाँ पे भी के आज जो है ना हमारा कितने का ये कबाड़ सेल होगा, कितने का, जितने का भी हो चले, घर का खाना वगैरह बन जाए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि रोटी और खाना बन गया, उससे आगे और कुछ भी नहीं है। और हालात जो है ना वो आज बहुत ही ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं, इतने डाउन है कि बस कुछ ना पूछें। ये देखें, ये ऐसे क्रैप पड़ा हुआ सारा जो मैंने निकाला, देख रहे हैं आप। अभी इनको मैं डालने लगी हूँ उस एक तोड़े के अंदर, उसमें डाल के तो फिर हम लेके चलते हैं उसको बेचने के लिए, और देखते हैं जी वो अंकल क्या हमारे साथ करते हैं, क्या रेट लगाते हैं, क्या नहीं लगाते। जो भी होगा फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी कि कितने का क्या, किस तरह सेल आउट हुआ, सब कुछ आपको जाके दिखाते हैं। देख रहे हैं आप सक्रैप, अभी मैं देने लगी हूँ जी मोबाइल अहमद को, बकाया वीडियो मेरी वो बनाएगा, क्योंकि मैं जो डाल रही हूँ उसको जो जितना भी स्क्रैप है उसको तोड़े के अंदर डालूंगी, और फिर हाथ में मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों हाथों से काम करना, इसलिए अभी मोबाइल जा रहा है अहमद के पास। अभी मैं और अहमद जाना वो डालने Thank you.
जी स्क्रैप हो गया मेरा सारा इकट्ठा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी चलते हैं जाके देख के आते हैं स्क्रैप, और फिर कुछ सालन वगैरह बनाने का अरेंजमेंट करते हैं जी। ठीक है, दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि अच्छी प्राइस पे जो है ना वो सही हो जाए। चलें खाना जो है ना वो दो वक्त के लिए इतना इंतज़ाम हो जाए, बेशक बाकी ना हो, दो वक्त का इंतज़ाम हो जाए खाने का। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं, बाकी वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि कितना बनता है, क्या क्या बनता है, देखते हैं। अभी मैं और अम्मा जी कबाड़ पे आ गए हैं, और कबाड़ पे आके जो है ना वो सामान अभी हमारा तोला जा रहा है, देखते हैं अभी कितना कितना बनता है और उसका क्या हिसाब लगाएंगे। ठीक है, वो वीडियो मैं बना रही हूँ, वो मुझे बार बार देख रहे हैं। ओ बाथ का मुंडा ले आ गया रोटी लेने, आप उनकी वीडियो नहीं आएगी भाई, आप आराम से जाना इसको तोल लें, आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगी, बिना टेंशन में आप, सिर्फ जब मुझे आप पैसे देंगे ना पैसे गिनते हुए की वीडियो आएगी, ऐसे वीडियो नहीं आएगी, आपके आराम से गिन सकते हैं, आप बना सकते हैं। अभी टोटल दो तोलते हैं, देखते हैं कितना बनता है, क्या हिसाब करते हैं। दे दे, अगली बारी फिर कम आ जाए। गर्मी बहुत है जी, बड़ी शदीद हबस है यहाँ पे, पता नहीं कैसे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हबस बहुत शदीद है। ओ भाई सब गए हैं जी कापी ढूंढने के लिए, जिसके ऊपर सामान लिखना होता है। ये भी हमारा लालन तोड़ने हो रहा है, जो जूते लालन के वो अभी गत्ता तोड़ने हो रहा है हमारा, ऊपर रखने लगे हैं। चल जी गत्ता रख दिए, नहीं तकरीबन 1 किलो हो गया। गाड़ियों का शोर भी आपको आ रहा होगा पीछे से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना आ जा रही है, कि हालांकि इतनी बहुत गर्मी है फिर भी जो है ना रोड वो बंद नहीं है। ये भाई साहब हमारा करने लगे हैं जी हिसाब कि टोटल कितना हुआ है। आप कैमरे को ना देखिए, कैमरे में अपनी नजर आएंगे जो बोतल में, सिर्फ जाना पैसे गिनते हुए आप नजर आएंगे, पैसे गिनते हुए मैंने बोला कि आप नजर आएंगे वैसे नहीं आएंगे, मतलब आपका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आप लोग पैसे गिनते हुए नजर आएंगे वैसे नहीं। ठीक है जी, वो पैसे जो हैं वो आपने गिन लिए, अभी जो बकाए रहते हैं वो भी आपने देने हैं। ठीक है जी, चलो जी बहुत शुक्रिया जी, अब हम चलते हैं जी। कबाड़ पे हम कबाड़ दे चुके हैं, और अभी मैं और अहमद आ गए हैं रोड पे, एक दफ़ा हमने कहा सब्ज़ी ले आए तो फिर अपना काम जो है ना बाकी आगे लेके चलने के घर, अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, रोड पे खड़े हैं जी। बस अभी जो है ना मैं वापस आई हूँ घर, ठीक है कबाड़ से होके, क्योंकि कबाड़ से होकर मैं सीधे मंडी चली गई थी, मैं एक ही दफ़ा सब्ज़ी ले आए फिर घर जाते हैं, फिर लेट हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर रात को शाम को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मैंने आपको दिखा रही हूँ महंगाई जो है वो कितनी हो गई, ये तो आप सब लोगों को पता ही है वैसे कि कितनी ज़्यादा महंगाई है, सबको पता है। ठीक है, और इस महंगाई में जो है ना वो क्या बनता है, 1000 रुपये की कुछ समझ नहीं आती, तो ये कबाड़ तो फिर जो है 400-500 रुपया बना ही है मेरा। ठीक है, ये कबाड़ जो है ना इतना ज़्यादा तो महंगा बिका नहीं है कि बंदा कहे अच्छा बिक गया हो, बाकी जो बने हैं 500 रुपये उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा, सब के सब लगा के आ चुके हैं जी हम। ठीक है, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ठीक है,
100 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा था जिससे मैंने अहमद की एक चीज़ ली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये है जी, ये देखें, ये दो सब्ज़ियाँ, ठीक है जी, ये मुझे मिली हैं जी 250 रुपये की। ठीक है, ये दो सब्ज़ियाँ सिर्फ क्या है, थोड़ा सा ये आधा किलो जाना वो करेले हैं और साथ में ये जो अरबी है ये आधा किलो, ये 250 रुपये की दो सब्ज़ियाँ ये आई हैं। उसके बाद जो है 100 रुपये के ये टमाटर आए हैं, ये देख सकते हैं कितने टमाटर हैं आपके सामने, कितना टमाटर होगा, ये है 100 रुपये का। ठीक है, 50 के लिए हमने ये खीरे, ठीक है, कितना हो गया, 400 हो गया। उसके बाद ये बाजरा जो बहुत ज़रूरी है घर में मुर्गियों के लिए, चूज़ों के लिए, ठीक है, वो लिया मैंने, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर तो जो मुश्किल है घर का, ठीक है, आपको पता इनको देना होता है। साथ में अहमद की फरमाइश थी जी मुझे ये चाट ले के दो, तो 100 रुपया था मेरे पास एक्स्ट्रा, मेरा पहला पड़ा हुआ, तो वो इसने दिए, ठीक है। और वापसी पे भी जो हम पैदल आए हैं, गए भी हम पैदल हैं और बहुत दूर है मंडी यहाँ से कम 2 किलोमीटर ही बन ही जाता है, तो हम पैदल गए हैं, पैदल आए हैं। अभी जो है ना गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ अपना सारा। ये सिर्फ 4 खीरे हैं और देखें ये कितने के आए हैं, ठीक है। और टमाटर जो है वो 100 रुपये का मिला टमाटर, इतनी महंगाई हो गई है, और समझ नहीं आ रही कि बारिश के बाद इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों, क्योंकि बारिश के बाद तो कहते हैं कि सस्त पाई होती है चीज़ें, जल्दी जो है ना वो सस्ती कर देते हैं कि जल्दी जल्दी सेल आउट हो जाए। बाकी ठीक है जी, आप लोगों से कर दिया मैंने शेयर, अब आप देख के बताइए क्योंकि ये महंगाई का कसूर है या हम लोगों का कसूर है कि जो इस तरह का ये काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रहा है। अहमद जो है ना वो खा रहा है इस वक्त चाट, अहमद चाट खा रहा जी मज़े से। और अब हम चल रहे हैं अंदर पंखे के पास, क्योंकि अंदर रोशनी नहीं है सही, इसलिए मैं बनाने के लिए बाहर आई हूँ। कबाड़ जहाँ से मैंने निकाला था वहाँ से उथल पुथल हुआ होगा कमरा, वो भी मैंने सेट करना है, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं अंदर।